आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार बच्चों, यहाँ अपने सामने प्रश्न दे रखा है, गिरीश का संधि विच्छेद है। अपने पास विकल्प है गिर धन इश, गिरी धन इश, गिर धन ईश या गिरी धन ईश। तो देखिए, सबसे पहले अपने शब्द लिख लेते हैं। अपने सामने जो शब्द है वो है गिरीश, गिरीश। और इसका जब अपने विच्छेद करते हैं तो अपने सामने जो विच्छेद होगा वो होगा गिरी धन ईश। यह इसका विच्छेद होएगा। और इसमें अगर अपने संधि की बात करें तो इसमें है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि यह इसमें है। अब अपने बात करते हैं कि इसमें नियम कौन सा लागू हुआ है। नियम तो देखिए, इस शब्द में जो नियम लागू हुआ है वो दीर्घ स्वर संधि के जो नियम होते हैं उसमें से ही एक है कि इसमें ई या बड़ी ई का संयोग अगर ई या बड़ी ई से हो तो सदैव ही बड़ी ई होती है। और इसी प्रकार इसी संधि का नियम है कि अगर अ और आ का संयोग अ या आ में से किसी से भी हो तो क्या बनता है, वो बन जाता है आ। इसी प्रकार अगर उ और उ का संयोग उ और उ के साथ हो तो उ बन जाता है, मतलब बड़ा उ बन जाता है। तो देखिए, यहाँ पे जो अपने पास शब्द है इसमें गिरी में कौन सी है, छोटी ई है, और ईश में यहाँ पे बड़ी ई है, और इन दोनों के संयोग से कौन सी ई बनी है, वो बनी है बड़ी ई। तो यहाँ अपने प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, अन्य तीनों विकल्प यहाँ से गलत हो जाएंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।